कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के बारे में आप लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा हैं। क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, किस प्रकार से कानून की प्रक्रिया इसमें होती है, इन शॉर्ट इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ सकता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में। बने रहिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते हैं, आप तक पहुँचते रहें। मैं हूँ अशोक पांडे। शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में। सबसे पहला महत्वपूर्ण स्टेप, आपको डिसाइड करना है कॉन्टेस्टेड या म्यूचुअल। आपको जानकारी चाहिए, हमारे वीडियो सेक्शन में बताया, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कॉन्टेस्टेड और म्यूचुअल डिवोर्स क्या होता है। सबसे पहला स्टेप डिसाइड करना कि क्या आपको करना है वास्तव में, और करने के बाद किसी एक अच्छे लॉयर को आप फाइंड आउट कर लीजिए जिसे फैमिली लॉ का अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिसे फैमिली लॉ के बारे में अच्छी जानकारी हो। एक वकील को पकड़ने के बाद जो आपका अगला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा, वो है ड्राफ्टिंग ऑफ पिटीशन। क्योंकि जो आपका पूरा केस है, इसके लिए एक ड्राफ्टिंग होती है, पिटीशन बनानी पड़ती है। पिटीशन का मतलब एक एप्लीकेशन, एक आवेदन समझ लीजिए, जो जज के सामने जाता है, जिसमें आपका पूरा का पूरा केस मेंशन होता है, लिखा हुआ होता है लिखित रूप से। ये सारी पिटीशन को आपको तैयार करने के लिए आपके सिग्नेचर लगेंगे, आपका एफिडेविट हो दिया जाता है कि आप जो कुछ भी आपने पिटीशन में लिखा है वो सही है, उसमें किसी भी तरीके का झूठ नहीं है, ऐसा एफिडेविट आप कोर्ट में देते हैं। इसके अलावा जिस वकील को आपने अपॉइंट किया, उस वकील को अपॉइंट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट लगता है, जिसको हम लोग वकालतनामा बोलते हैं। तो वकालतनामा देने के बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट्स है, वो पूरी एक लिस्ट होती है आपके डॉक्यूमेंट, जो आपके केस को प्रूफ करे। बिकॉज कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में आपको ग्राउंड साबित करने पड़ते हैं, क्रुएलिटी के बेस में लेना है, डिजर्शन के बेस में लेना है, मेंटल है या फिजिकल क्रुएलिटी है, एडल्ट्री का ग्राउंड आपको लेना है, या कोई वेनेरियल डिसीज है उसका ग्राउंड आपको लेना है, या 7 ईयर्स से सेपरेट हैं, कोई भी जो आधार है, उस आधार को साबित करने के लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे जो आपके केस को साबित कर सकें। तो ये आप अपने पिटीशन के साथ अटैच करते हैं। जैसे एक बार पिटीशन तैयार हो जाती है, तो ये पिटीशन आपकी कोर्ट में फाइल होती है। जब पिटीशन फाइल हो जाएगी, तो कोर्ट क्या करेगी, जो ऑपोजिट पार्टी है, अगर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, तो कोर्ट ऑपोजिट काउंसिल के थ्रू या कोर्ट ऑपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व करती है, रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व करती है। आप एप्लीकेंट होते हो, जो ऑपोजिट पार्टी है वो रिस्पोंडेंट होता है। मैं पति हूँ, मैंने एप्लीकेशन फाइल की अपनी पत्नी के विरुद्ध में, तो मैं एप्लीकेंट हो गया, मैं आवेदक हो गया, और अनावेदक कौन हो जाएगा, रिस्पोंडेंट कौन होगा, मेरी वाइफ होगी। कोर्ट से नोटिस जाता है, ये अगला स्टेप, मतलब पिटीशन फाइल करने के बाद अगला स्टेप, कोर्ट से नोटिस या समन जाता है, किसे, वाइफ को, एज एन एग्जाम्पल मैंने बताया। फिर जो रिटर्न स्टेटमेंट वाइफ को फाइल करना है, रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब जवाब दाखिल करना। जवाब किसे देना पड़ेगा, वाइफ को। पति ने यहाँ पे एप्लीकेशन डाली थी डिवोर्स के लिए, तो पत्नी उसका जवाब देगी कोर्ट में आने के लिए। अब इसका भी एक टाइम लिमिटेशन होता है लॉ में, तो 90 डेज का टाइम लिमिटेशन, यानी 3 महीने का टाइम लिमिटेशन रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। और इस रीजनेबल टाइम पे रिटर्न स्टेटमेंट जब कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है, और वाइफ की अपीयरेंस एप्लीकेशन कोर्ट में अलाउ हो जाती है, फाइल हो जाती है, इसके बाद कोर्ट दोनों ही पार्टी को उनके डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए मीडिएशन या काउंसलिंग के लिए भेजती है। ये 2 से 3 मीडिएशन, काउंसलिंग या सेशन हो सकते हैं, जिसे आपको डिनाई नहीं करना चाहिए, और निश्चित रूप से विदाउट फेलर आपको जाना चाहिए, मीडिएशन अटेंड करनी चाहिए। इसके बीच में ही जब मीडिएशन चल रही होती है, इसके पहले या इसके बाद में काफ़ी सारे इंट्रीम एप्लीकेशन आती हैं। अगर वाइफ की तरफ से है, तो 125 का एप्लीकेशन एक अलग फाइल हो जाएगा, या सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का फाइल हो जाएगा, या कस्टडी के लिए बच्चों का, तो चाइल्ड कस्टडी की एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी, या प्रॉपर्टी के, कोई भी ऐसी इंट्रीम एप्लीकेशन, बीच में आने वाली एप्लीकेशन को हम लोग इंट्रीम एप्लीकेशन बोलते हैं। ये सारी एप्लीकेशन आएंगी, एक दूसरे का जवाब देंगे, सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद में आती है स्टेज एग्जामिनेशन इन चीफ की। एग्जामिनेशन पति ने फाइल किया था, पहले पति का एग्जामिनेशन होगा, फिर उसी के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन वाइफ की तरफ से होगा। तो ये जब पूरा एक फॉर्मुलेशन कोर्ट का जो होता है, ये स्टेप कंप्लीट, मतलब एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों के, पति की तरफ से भी और पत्नी की तरफ से भी, हो जाने के बाद फिर कोर्ट डिसाइड करती है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज,
मतलब किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख करके जजमेंट और डिक्री कोर्ट को ग्रांट करनी है, इस पॉइंट पे कोर्ट आती है और तब तक आते आते समय बहुत लग जाता है, क्योंकि मुझे बताने में अगर 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट का समय, अगर इस छोटे से प्रोसेस को इन शॉर्ट डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए 5-7 मिनट का समय लग रहा है, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा आप सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम 2 साल से 4 साल का वक्त कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में लग जाता है। हियरिंग कब आती है? आज आपने फाइल किया, हो सकता है 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपकी अगली डेट आए। डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है। ज्यादा केस होंगे तो एज ऑब्वियस डेट ज्यादा लंबी जाएगी, कम केसेस होंगे तो एज ऑब्वियस डेट जल्दी आ जाएगी, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आप पकड़ के रखिए कि हर महीने आपकी तारीख आती है और लगभग 2 से 4 साल का वक्त लग जाता है कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में। कॉस्ट के बारे में एक वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लगभग कितना खर्चा आपका हो सकता है लॉयर टू लॉयर, केस टू केस, बहुत सारे फैक्टर्स आपके सिटीज़ के ऊपर, किस शहर में आप रह रहे हैं, किस जगह पे आप कर रहे हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका बैकग्राउंड क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके लॉयर अपनी फीस डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है, और जिसपे लगभग 10,000 से लेकर 50,000-60,000 रुपये तक का खर्चा कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के लिए आ सकता है। इन शॉर्ट मैंने आपको जानकारी ये पहुंचाने की कोशिश की कि अगर कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के लिए आप जाते हैं तो किस 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 स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।